Yeah, you won't believe how many coffees I'm having here per day. Like, coffees are amazing, super amazing. Because they put condensed milk in it rather than the fresh milk option hai. But the when you put condensed milk, it is amazing. And Vietnam ki coffee to waise bhi it's very amazing. And so just guess how many coffees I'm having per day. Don't worry, it's in the limit, but just guess. Hi guys, welcome back to my channel and this is episode number 3 of Vietnam series. So aaj hum ja rahe hain Hanoi se Ninh Binh. Ninh Binh is a town which is full of greenery, full of farms and fresh vegetables and all. So this is Ninh Binh where you go for a very long boating and kaha jata hai ki yahan pe shayad King Kong ki shooting hui thi, pata nahi kitna sach hai aur kitna jhoot hai. सो दिस वॉज द होल व्यू. वही हमने पैकेज लिया था तो पैकेज सेम वही चीज़ था कि लाइक $45 or $50 में दे गोना पिक अप एंड ड्रॉप एंड देन एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन इट. लाइक ऐसे ही मैंने देखा कि वहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज था सब कुछ कि जैसे ये जो है लेडीज़ ये लोग सब लाइन में खड़ी होती हैं जस्ट टू फॉर द क्लाइंट्स टू कम एंड टेक देम फॉर अ बोट राइडिंग टूर. एंड एक्चुअली मैंने ये नोटिस भी किया है कि वियतनाम में ना इट्स अ बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड कंट्री एंड बहुत जगहों पे वुमेन ही आपको दिखेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर. इवन इन स्मॉल शॉप्स और स्मॉल ईटरीज और सम छोटा मोटा ठेलाज वुमेन ही वहाँ पे ज़्यादातर आपको दिखेंगे जो ये काम कर रहे हैं. सो दिस वॉज अ होल बोट राइड ऑफ अराउंड 2.5 hours एंड दिस वॉज अ होल व्यू. बीच में काफ़ी देर तक वो ऐसे यू नो बोट राइड करते रहते हैं. इट्स अ वेरी सीनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस. आप बस बैठो अपनी लाइफ जैकेट पहन के और हाँ इसमें से बहुत सारे केव्स के अंदर से गुजर के आपको जाना पड़ता है. ये सारे लाइमस्टोन के केव्स हैं जैसे केव्स हलोंग बे में थे वैसे हैं. बट दीज आर मोर स्टीपर, मोर मतलब ऐसे डेंजरस भी हैं बट मोर स्टीपर एंड मोर इन लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स द अर्थ. तो ऐसा व्यू है. एंड हम लोग के साथ वहाँ पे ये हुआ कि हमारा पूरा जो बस और बस में जो ग्रुप बना था सो वी वर ऑल यू नो रेस लगा रहे थे कि उनकी बोट और हमारी बोट कौन सबसे पहले फिनिश पॉइंट पे आएगी. सो दिस वाज द पॉइंट. जैसे यहाँ पे बहुत सारी केव्स आती हैं तो आपको इसे बहुत ध्यान से एंड होता तो बहुत फ्यूचरिस्टिक है आई नो पर आपको ऐसे जाना होता है ऐसे अंदर से एंड इट्स नाइस. और अपना सिर बचा के बिकॉज ये काफ़ी नीचे है केव्स तो ना मेरे जैसे लंबे लोग को तो बिल्कुल बेंड होना पड़ता है जस्ट टू पास थ्रू. एंड अल्टीमेटली इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लगा था. ये चीज़ें हम मतलब मैंने पहली बार देखी थी एंड आई वाज जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ हैविंग अ गुड टाइम यू नो. पानी भी इतना साफ था एंड खैर हमारे बीच में मेरे और वो जो लेडी रो कर रही थी बोट को हमारे बीच में वो लैंग्वेज बैरियर था बिकॉज उनको इंग्लिश बहुत कम आती है वियतनामीज को. वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम आती है सो यू हैव टू आइदर टेक हेल्प फ्रॉम समबडी और यू आइदर टेक हेल्प फ्रॉम गूगल ट्रांसलेटर एंड ऑल दैट. तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी दो बेटियाँ हैं और पता है दोनों बेटियों के शादी बहुत जल्दी कर देते हैं वहाँ पे. लाइक पीपल गेट मैरिड गर्ल्स गेट मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज. सो नाउ दिस लेडी वॉज अ दादी यू नो एंड स्टिल शी इज़ डूइंग दिस हार्ड वर्क. बट कहते हैं कि वहाँ पे मतलब उनका ये रूटीन ही है उनका ये काम ही है ऐसा ही है और उनकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की. एंड ये मैं केव से बाहर आ रही हूँ एंड दिस वॉज अमेजिंग. हर केव के बाद ना जो सीनरी है जो ब्यूटी है वो और बढ़ के दिखती है एंड आप बस रहते हो सो ब्यूटिफुल. तो बस आप शांति से बैठे रहते हो वो आपको कुछ आवाज़ नहीं आएगी सिर्फ ठंडी हवा और वो जो चप्पू से बोट चला रहे बस उसकी आवाज़ आएगी और बस कुछ नहीं. आप बस आप होगे और मदर नेचर होगी एंड दैट इज़ अमेजिंग. देखो ज़रा कितना सुंदर लग रहा है सब चुपचाप आ रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं. एंड दीज आर लोटस आई थिंक दीज आर लोटस फ्लावर्स के प्लांट्स एंड दिस वॉज अ होल व्यू. नाउ अनदर केव बिकॉज देर आर मैनी केव्स एक के बाद एक केव्स ही केव्स आती रहती है. एंड ये बहुत बड़ी लेक है वेयर यू गो एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. जस्ट लुक एट इट हाउ क्लोज वी आर टू द रॉक्स जस्ट सी है ना मज़ेदार. सो
सो अर्लियर आई वॉज बिट स्केप्टिकल कि मुझे निनमेन जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा था कि हाँ इतना कुछ है नहीं, क्या करेंगे. बट जब मैं वहाँ गई तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने स्किप नहीं किया. दिस वॉज द होल बोट राइड इंक्लूडेड इन माई पैकेज. देन नेक्स्ट वी वेंट टू दिस ड्रैगन माउंटेन. I'm not remembering the name, but this was entry of that place where on a very big mountain there's a big dragon. So it's a hike basically, and from there paddy fields ka view bahut acha aata hai. So this is us going forward to the hiking side. So again, to every site we were given like 40-45 minutes to roam around, click pictures, eat something. Har jagah pe khane peene ka entries choti choti hain. तो आपको तो पता ही है कि मुझे वहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी है, कंडेंस मिल्क वाली. एंड दिस वाज अ होल व्यू. हम लोग जैसे अभी चल रहे हैं, मैं हाइकिंग पे नहीं गई बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड फ्रॉम द होल डे. सो मैं जस्ट राइट, दिस वाज मुआ केव्स, करेक्ट. सो यहाँ पे मैं फिर नीचे ही आई वॉज जस्ट हैंगिंग अराउंड, क्लिकिंग पिक्चर्स एंड शूटिंग. एंड यहाँ पे मुआ केव्स में आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग. तो काफ़ी लोग बाकी तो ऊपर हाइक करके ऊपर जहाँ पे वो ड्रैगन है वहाँ चले गए थे. और एंड में गए हम एक छोटे से टेम्पल में, एंड दैट वॉज इट फॉर द डे. इट वॉज अ लॉन्ग डे, आई एंजॉयड अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.